बदलाव पत्र की शुरुआत के लिए हमारे प्रभारी और हमारे साथी शक्ति सिंह गोविंद जी से बैठे हुए सभी नेता पत्रकार साथियों, हमने बदलाव पत्र बनाने से पहले बिहार में हर बिहारवासी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश की, जिसका वजूद पूरे देश में बहुत बढ़िया रहता था, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चीनी हो, चावल हो, या मधुबनी का पेंटिंग हो, या शिक्षा हो। उस बिहार को बुरी तरह से चोट लगी है। एक बदलाव लाके हम बिहार की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को वापस लाने कैसे ला सकते हैं, और उन मुद्दों को हमने लेने के बाद ये कोशिश की हमारे बदलाव पत्र में फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो इकोनॉमी के जानने माने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहें कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। हमारे बदलाव पत्र की बनाने में हमारी टीम ने मेहनत की है, उस टीम के सभी सदस्यों का मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ राज बब्बर जी का, हमारे सांसद नेता के लिए स्टार इन्होंने हमें वक्त दिया है। मैं विनती करूंगा राज बब्बर जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं की बदलाव पत्र 2020 इसको बिहार के आवाम के आशीर्वाद के लिए समर्पित किया जाए। सर एक बार आप सब और फिर सबको आप कॉपी देंगे। साथियों के पास आगे राज बब्बर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बदलाव पत्र से बदलाव की एक नई बयार की शुरुआत करने की, और मैं अब सीधे अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से। हम कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षिप्त समय में एक एक विषय पर, 6 या 7 महत्वपूर्ण विषय पर 2-2 मिनट में आपके समक्ष कुछ नया रखें नए तरीके से। शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और बिहार में जो किसानों की परेशानी है, भैया छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर बाद सौरभ छोड़ दी, थोड़ी देर फिर खलल पड़ जाता, थोड़ी देर बाद बात। ये बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है, हमने इरिगेशन को की बढ़ोतरी की बात की है, हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की, जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको
सही मूल्य मिले। तीन कानून बनाए हैं भारत सरकार ने हमारी सरकार बनने पे, वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहाँ का कानून लाके जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। कांग्रेस के वक्त में आजादी के बाद नारा था जय जवान जय किसान, आज जो सरकार देश में और बिहार में है, मेरे बिहार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए और किसान आत्महत्या करता है, मरे जवान मरे किसान वो हालत देश में बना दी है। हम फिर से जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। सत्य ये है कि बिहार बदलाव मांगता है, बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है, बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है, बिहार फसल के दाम चाहता है, बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की चाहता है, बिहार पेयजल और सस्ती बिजली का अधिकार चाहता है, बिहार अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है, बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है, बिहार एक नई सोच नया रास्ता नया तेज चाहता है, बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। इस बदलाव पत्र के अंदर छह और जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हमारे आदरणीय नेता चर्चा करेंगे, परंतु 12 बड़ी स्कीम्स 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं और मैं 5-5 सेकंड में आपको उन 12 निर्णयों की चर्चा करूंगा। कांग्रेस पार्टी, जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेकर आएगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। वहां की सरकार अब किसान के खाते में 2 एकड़ से कम के किसान के खाते में सीधा पैसा डालती है। बिहार की गठबंधन सरकार किसान के खाते में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना से सीधा पैसा डालेगी। जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा, 24,000 करोड़ का। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना होगी। बिहार के वृद्ध विधवाएं एकल महिलाएं, इनके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना लाएंगे और पेंशन 800 रुपया होगी। अगर बुजुर्ग 80 साल से अधिक हैं तो 1,000 रुपया होगी, एकल महिलाओं और विधवाओं की पेंशन भी 1,000 रुपया प्रति माह होगी। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। केजी से पीजी यानी केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त। बिहार के हर व्यक्ति जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर इस देश की संरचना में सहयोग देते हैं, उनके लिए श्री कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना यानी बंबई में भी बनाएंगे, कलकत्ता और मद्रास में भी बनाएंगे, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बनाएंगे, जलंधर और अमृतसर में भी बनाएंगे। अगर कोई हमारा साथी बिहार का मजदूर बीमार होगा, उसे किसी सुविधा की जरूरत होगी, तो सरकारी अधिकारी डॉक्टर रहने की व्यवस्था डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र हर प्रांत में बनाएंगे। श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना लाएंगे,
पांचवी से बारहवीं कक्षा तक स्पोर्ट्स एबिलिटी टेस्ट होगा और जो बच्चे पहले 50 बच्चे अव्वल आएंगे एक साल के लिए पहले 3 बच्चों को 1000 रुपया और बाकी 50 तक सबको 500 रुपया प्रति माह एक साल तक प्रोत्साहन योजना लाएंगे। पदक लाओ पद पाओ, बिहार का युवा अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाएगा, एशियाड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, दूसरे गेम्स, अलग अलग जिनकी रैंकिंग्स है, तो बगैर इंटरव्यू के उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। कोई डीएसपी लगेगा, कोई इंस्पेक्टर लगेगा, कोई डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगेगा, कोई इस प्रकार के बराबर के पदों पर लगेगा। मां सावित्री बा फूले शिक्षा योजना, हमारी जो अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियां हैं उनके लिए, वो बिहार के अंदर पढ़ें या बिहार के बाहर पूरे देश में, जो ग्रेडेड उच्च शिक्षण संस्थान है वहां 80% फीस बिहार की महागठबंधन सरकार देगी। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना, हर अनुसूचित जाति जनजाति के घर में 100 लीटर की पानी की टंकी और टूंटी देने की गारंटी, बगैर किसी पैसे के प्लेटफॉर्म बनाकर घर के अंदर, ये बिहार की गठबंधन सरकार कर दिखाएगी। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के लिए शादी पर 21,000 रुपया नकद गठबंधन सरकार देगी। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। ये कुछ स्कीम्स हैं हम लेकर आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सबको मालूम है बिहार सीता मैया की जन्म की धरती है, अहोभाग्य है ये धरती, बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की और भगवान महावीर जी की जन्म स्थली भी है, गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली भी है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने तो सीता मां को भी धोखा दिया, जैसा हमने कल बताया, सियाराम तीर्थाटन योजना, वो सारी यादें, वो सारे धर्मस्थल जो जुड़े हैं उनको जोड़कर एक बेहतरीन योजना और उनके विकास की योजना हम बनाएंगे। बोध अध्यात्म पर्यटन योजना, जैन शक्ति केंद्र योजना, भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है अगर आप वहां जाएं तो वो 5-5 फुट पानी और कीचड़ के अंदर है, इन सब को जोड़कर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे। बिहार देवालय यात्रा योजना, देवभूमि है, एक सर्कट बन जाए, सूफी संतों की यह भूमि है, तो सूफी विकास योजना, इन सब के माध्यम से बिहार का आध्यात्म धार्मिक पर्यटन इनको बढ़ावा देंगे। ये कुछ हमने कोशिशें की हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि राज बब्बर जी आपसे बात करेंगे, खास तौर से नौजवानों और रोजगार को लेकर। बिहार उन प्रदेशों में से है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है और पिछली सरकार 3 बार से युवाओं से ये कहती आ रही थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री जब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे तो कांग्रेस के ऊपर, गठबंधन के ऊपर तंजिया मजाक कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। शायद ये बात भूल चुके हैं कि 4.5 लाख नौकरियां तो अगर ये सरकार चाहती तो आज ही दे सकती थी, लेकिन उन्होंने युवाओं का मजाक उड़ाया,
चार चार बार मुख्यमंत्री बने हैं, चारों बार युवाओं के साथ में छल किया है और आज युवा इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से इन मुख्यमंत्री साहब ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रोजगार न देने का। इसीलिए आज इस बदलाव पत्र में ये रोजगार योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत मात्र यही नहीं है कि रोजगार का वादा होगा, बल्कि नए रोजगारों के लिए वो बाकायदा सर्वे होंगे, उन स्थानों के सर्वे होंगे, उन जगहों के सर्वे होंगे, हर शहर में हर कस्बे में कैंप लगेंगे और सर्वे करने के बाद में कहां पर कितना रोजगार है और उस क्षेत्र का क्या रोजगार होना चाहिए, उस तरह के रोजगारों की उपलब्धि कराई जाएगी। मैं बहुत लंबी बात ना करता हुआ, मेरी ये कोशिश है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1500 रुपया यानी कि 1500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो इस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें। ये एक उपलब्धि है, ये उपलब्धि है कि राहुल जी ने जब ये बात हुई, जिस वक्त ये कहा गया कि गठबंधन की सरकार का पहला मुद्दा क्या होगा, पहली जो कैबिनेट होगी उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, तो उस फैसलों में ये तय है। ये मजाक उड़ाने वाले उस वक्त अपना मजाक उड़ाएंगे और नौजवान इनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट में जो पहला दस्तखत होगा वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, और ये तयशुदा बात आज कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन ने की है। उच्च शिक्षा में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर है और प्रायः बिहार नीतीश जी के 15 साल के शासन के बावजूद सबसे निम्नतम स्तर पर है और आज भी बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होगा। ये दुर्भाग्य है बिहार का, और हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा के लिए राज्य के प्रत्येक दूर दराज और गांव में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था करना शुरुआत करेंगे। नए मेडिकल और डेंटल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि बिहार से किसी भी स्टेट से ज्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दक्षिण के राज्यों में या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पीपीपी मोड पर मेडिकल से जुड़ी रिसर्च सेंटर की भी स्थापना हम लोग करेंगे। राज्य में एक बहुअंगीय प्रत्यारोपण संस्थान की भी स्थापना हम लोग करेंगे। नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव लाएंगे ताकि सुविधाओं के हिसाब से उनकी श्रेणी तय की जाएगी एवं उस हिसाब से हर प्रकार की सुविधाएं एवं चिकित्सीय सलाह का भी रेट सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, ताकि लोगों को, पब्लिक को इससे बचाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा को फिर से हम लोग बेहतर करेंगे। आज जो स्थिति है एमआरआई के लिए भी, दूर दराज किशनगंज से हो, जमुई से भी हो, उसको पटना में आना पड़ता है। ये स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। हम इतना ही बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे अग्रणी नेता रहे हैं, वो आपको इस बदलाव पत्र में उस बारे बताएंगे। साथियों, उत्तर बिहार के दलितों के अत्याचार का कहानी आए दिन देखने को मिलता है। एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इलाके करीबन 16% आबादी है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से असुरक्षित ये समाज का खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है और हमने इसको स्वीकार किया है कि इस
20 साल सरकार ने लगातार हम बिहार भर के लोगों को श्री बाबू के जयंती पर बुलाते थे, 50,000 खाना खिलाते थे, आज इस बार छुट्टी है, लेकिन आप अच्छा किए। इस समाज के बचे हुए पद है जो रिक्त पद है सरकारी में, उसको 18 महीने में हम पूरा करेंगे। हमने कहा है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी लोगों को घर बनाने के लिए हम जमीन देंगे। हमने ये भी कहा है कि जैसा सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना के तहत हम 80% उस शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चियों को हम सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। आपको बताया गया कि हम 100 लीटर पानी का टंकी और टैप दोनों हम इस अनुसूचित जाति परिवार के लोगों के लिए उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमने ये भी प्रतिज्ञा किया है कि 20,000 रुपया इंदिरा गांधी बाल कल्याण विभाग योजना के तहत हम बच्चियों को आशीर्वाद के तौर पर देंगे। और इस तरह से मैं समझता हूं कि समाज का ये अंग जो सबसे ज्यादा आज सफर कर रहा है बिहार में, इसको हम बदलेंगे, इसलिए बोले बिहार बदलो सब। बहुत बहुत शुक्रिया से बोलना चाहता हूं। इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं, उदाहरण के तौर पर मिथिला और मैथिली भाषा, इनके लिए बदलाव पत्र में हमने कई संकल्प किए हैं। मैथिली भाषा की पढ़ाई को हम स्कूलों में दोबारा प्रारंभ करेंगे। मिथिला के प्रसिद्ध जो मखाना है उनकी GI टैगिंग, इसको पूर्व की भांति रखा जाएगा। मिथिला पेंटिंग की समृद्धि और विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अनेकों चीजें हैं और आप उनका अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि ये बिहार के विकास की एक नई इबारत है जो इस बदलाव पत्र से श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद और राहुल गांधी जी के सहयोग से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है।